हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो Y28 5G फ़ोन है, तो वीवो Y28 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में पावर बटन की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं अपने एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट्स के जरिए, और कैसे एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट ऑप्शंस को ऑन करके पावर बटन्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और कैसे फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट भी आप कर सकते हैं वीवो फ़ोन को, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है, और क्लिक करते ही फ़ोन की ऑल सेटिंग्स आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। फिर स्लाइड करके आपको जाना होगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर, तो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स भी आपके फ़ोन में आ जाती है, जिसमें से स्लाइड करके आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पे, तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स भी ओपन हो जाएगी। फिर आपको इसमें से जाना होगा एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे, मेन्यू पे जाते ही मेन्यू सेटिंग्स आ जाएगी, जहाँ से मेन्यू शॉर्टकट्स को आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही आपके शॉर्टकट आइकन से यहाँ पर शो कर जाएगा, जिसको आपको इस तरीके से ऑन कर देना है, और इसके जरिए आप पावर बटन्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बटन्स आइकन्स पे जाकर। अगर आपका बटन्स ख़राब हो जाता है तो आप फ़ोन को यहाँ से रीस्टार्ट कर सकते हैं, टैप करते ही आपका फ़ोन है रीस्टार्ट हो जाएगा, और अपने फ़ोन को बंद कर सकते हैं और रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। पावर ऑफ भी आप कर सकते हैं, आपका फ़ोन पावर ऑफ हो जाता है एंड एमरजेंसी कॉल के लिए इस पर टैप करते हैं तो एमरजेंसी कॉल भी आप कर सकते हैं, और आप फ़ोन को एमरजेंसी कॉल इस पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पावर बटन्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इस आइकन ऑप्शंस के जरिए, और इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू वीडियो।